किया जाए, भूमि संरक्षण किया जाए। गैर मुमकिन नगर को बचाओ, ठीक है आपका। और कहाँ रहते हैं, क्या समस्या आप लोग? मेरा नाम विरदा राम है, तिलक नगर निवासी हूँ। हमारे यहाँ पे समस्या है कि गैर मुमकिन नाड़ी का आगोर है 2011/1211 खसरा नंबर, जिसके अंदर अतिक्रमण हो रहा है जल्दबाजी में। ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं फटाफट और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि ये गैर मुमकिन आगोर है जिसको संरक्षण में लिया जाए प्रशासन के द्वारा, और प्रशासन के तक यह आवाज़ हमारी पहुँचे और हमारी ये सुनवाई हो कि इनका अतिक्रमण जल्दी से हटावे। और क्या समस्या आप लोग एकत्रित हुए? समस्या आपको मैं बता चुका हूँ, यही है, रूलर कर रहे हैं, गैर मुमकिन जमीन बेच रहे हैं और लोगों को परेशान कर, रात को झगड़ा करे, दारू पिए, आगे क्या समस्या नहीं है कोई। कौन है यहाँ लोग जमीन बेचनी है? बेचनी है, हगी है, चौकी है, जोड़ा कोई बेचर है, कोई कार का आदमी है, कई खेत का ये पड़ी जगह तो बेच दुखी है। और कई कह के कब जो मैं मटी 10 साल कर दी हो, कई 5 साल मैं तो 40 साल में रह दिया हूँ कड़ी। उन्होंने कहो भाई जो कुछ ढंग में रहो तो रहो, नहीं ना परेशान करो लोगों ने तो ज़्यादा किक लागी, तो ये तो मान नहीं रहा तो हम क्या करो। तो शिकायत को गई ना अधिकारी? कई शिकायत कर चुका, शिकायत दिन की हो कि शिकायत कहेंगी ये मतलब क्या है और ले रो है। हमने कहे बोटाणो सरपंच है बेचारो तो बहुत नीचे जाके कि मैं बोट दी नायन माटी तने हटावा की करे ओ वेस्ट देखी बात तो तेरा बोट कितनी कितनी जमीन माथे कितना लोगों का घर है? अरे 25 घर तो है बनोड़ा लगोता और 25-20 का है। 20 दिन के तुम क्या पर बार जमीन ले ली, ये तुम 1,00,000 रुपये में हवा 1,00,000 में, अरे कहो कब जो रातों में बेचम ठाक ही पड़े। ठीक है, अड़ी हालत है। नाम है आपका और क्या समस्या आप लोगों को? सर मेरा नाम गजरो है, हम इधर तिलक नगर के रहवासी हैं और इधर ये गोसर जमीन में अतिक्रमण करते हैं और इधर ये चोर हल्ला करते हैं। हम औरतें बाहर रात को निकल नहीं पाती है और बाकी ये शराब का धंधा चलता है इधर, गोसर जमीन बेचते हैं और आके हटते हैं, बोलते हैं तो आपका क्या लड़ देना, ऐसे बोलते हैं। इसलिए हम तो कुछ बोल नहीं सकते, आपसे ही मदद चाहते हैं, आप दे तो आपकी अच्छी बात है। ठीक, और तब क्या करें। आ रहा है, हम इधर के तिलक नगर के रहने वाले हैं और ये गौशाला ज़मीन है, इसमें जो भी प्लॉट बना बना के सारी जमीनों को बेच रहे हैं और इसको मना किया तो बोल रहे हैं आपको क्या करना है, ज़मीन ये गौशाला की नहीं है। हम बोल रहे हैं गौशाला की है और रात को दारू पी के हमारे गली में इधर हजनों की दुकान है, दारू की बनाई हुई है, रात को दारू पी के होल हंगामा कर रहे हैं और परेशान भी कर रहे हैं, हम बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक, चंदन जी क्या मामला है, आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं क्या मामला? पूरा यहाँ पे कई लोग ऐसे बैठे हैं, पहले आके बैठ जाते हैं, बाद में 2-3 साल तक रहते हैं, उनके बाद वो जमीन कब्जा करके किसी दूसरे लोगों को बेच देते हैं। सरकारी जमीन है, गोसर जमीन है। अच्छा, आप लोग इस बात को लेकर अधिकारियों से भी मिले हैं? अधिकारियों कलेक्टर ने ज्ञापन दिया है और उसको बातचीत की है पर उसमें कुछ हुआ नहीं। आप बताए आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णाराम है। कृष्णाराम, मैं 15 साल से यहीं रह रहा हूँ तिलक नगर में। ये जस्तेर की गोसर जमीन है, काफी टाइम से ये लोग यहाँ धीरे धीरे कब्जा करते 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 अभी इन्होंने 2 साल हो गए। पक्का बना
पक्का निर्माण चालू कर दिया, जैसे पहले कच्चे झोपड़पट्टी थी उसको आगे स्टाम्प पे बेचना चालू कर दिया, अभी बेचने के बाद में पक्के निर्माण चालू हो गए। कई बार हमने शिकायत भी की, ऑनलाइन भी शिकायतें कई बार करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, आप लोग क्यों कर रहे हैं? हमारे को तो दिक्कत ही आ रही है, ये लोग शराब पीते हैं, रात को झगड़ा ठंडा करते हैं, गाड़ी ग्लोस करते हैं। और दूसरी बात, मेन बात ये जमीन है गोसर की, गोसर पे किसी का अधिकार नहीं होता है कब्जा करने का या बेचने का। चलो बैठे हैं तो बैठे रहते, लेकिन इन्होंने 2 साल काम चालू कर दिया बेचने का वगैरह।